मानव सेवा उत्थान समिति की संस्था के तरफ से जो मैडम आई हैं और उनके जो पदाधिकारी सब आए हैं, उनको अपने तहे दिल से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये आशा करती हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि आगे भी हमारे बच्चों को जो इसी तरह से प्रोत्साहित करें, ताकि ये स्लम एरिया के बच्चे हैं और पढ़ लिख करके ये कुछ अच्छी जगह पे निकले, जिससे हमारे विद्यालय का भी नाम हो। और ये संस्था से जो हमको सहयोग मिला है, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। और मैडम से अनुरोध करते हैं कि मैडम, आप जो है हमेशा हमारा सहयोग, ऐसे ही हमारे बच्चों का सहयोग करके उनके मनोबल को ऊंचा करें, ताकि उनके मन में ये भावना उत्पन्न हो कि हम पढ़ने विद्यालय, बच्चे एक लालच से भी आते हैं कि हमारे पास किताब नहीं है, हम कैसे जाएंगे, कापी नहीं है, कैसे जाएंगे। वो मैडम ने दे करके बहुत बड़ा उपकार किया हम लोगों पर। मैं मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद और दरअसल हमारे विद्यालय, हमारा जो विद्यालय है स्लम एरिया में होने के नाते यहाँ गरीब तबके के बच्चे हैं, उनके पास ड्रेस का अभाव, बुक्स के अभाव रहते हैं। और ये मानव विकास संस्था द्वारा जो मैडम ने हमारे विद्यालय के गरीब बच्चों को इन्होंने जो प्रोत्साहन दिया है, उससे बच्चों का मनोबल ऊंचा होता है और बच्चों को लगेगा कि हमारे पास अगर बुक्स नहीं है तो विद्यालय में जाएंगे तो वहाँ पे हमको ये सुविधाएं, हमें बुक, पेन, पेंसिल, सारी चीज़ें वहाँ से अवेलेबल हो पाएंगी। और ये चीज़, ये कार्य इस संस्था, मानव विकास संस्था ने किया। इनके इस कार्य के लिए मैं इनको और इनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे ही विद्यालय में नहीं, अन्य कहीं भी जहाँ स्लम विद्यालय है, गरीब बच्चे हैं, वहाँ ये संस्था जाए और कार्य करे। इसके लिए मैं इनको ईश्वर से, इनके आगे के कार्य को शक्ति प्रदान करें और आगे अच्छे कार्य करें, गरीब बच्चों का सहयोग करें, इसके लिए मैं इनको हार्दिक दिल से धन्यवाद देता हूँ। और नूतन विद्यालय परिवार की तरफ से भी मैं इनको बधाई देता हूँ। पहले हुआ था, यहाँ के आमदार हैं सुनील प्रभु जी, उन्होंने 65 बच्चों को यूनिफॉर्म दिया और उन गरीब बच्चों को ड्रेस मिला, पहन करके आते हैं, उनके परिवार को भी अच्छा लगा। और गरीब बच्चे के जो धारणा है कि हमारे पास कपड़े नहीं हैं, उनको मिला। और ऐसे इन मैं आमदार सुनील प्रभु जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसी संस्था हमारे यहाँ आती रहे और कार्य करती रहे, हमारे बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ता रहे, यहाँ जो भी है मैं उनका आभारी हूँ। समिति जो है, जिसके संस्थापक श्री सतपाल जी महाराज हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ये हर जगह जो है पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार चल रहा है और इसका हर जगह पर सुनामी जैसे हुआ, भूकंप हुआ, आगजनी हुआ, महामारी हुई, या बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, गरीब बीमार लाचार जनों के लिए जो ये संस्था हमारी जो है मदद करती है। और पूरे देश में जो है हमारे कार्यकर्ता हैं, वॉलंटियर हमारे हैं जो है लगे हुए हैं, जहाँ जैसी आपदा आती है वो सहयोग के लिए वहाँ पे सहायता करते हैं। नौत्थान सेवा समिति जो है ये सोशल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और सिंस 1974 जो है ये अपना कार्य कर रही है मतलब। और ये हर तरह के कार्य में मतलब पूरा मेन, बेसिकली देखा जाए तो जैसे मैन नो थाईसेल्फ, कि आदमी स्वयं को जाने, तो सबसे बड़ा तो इसका उद्देश्य यही है। इसके अलावा समाज के अंदर जो भी गरीब तबके के लोग हैं, बाढ़ पीड़ित है, भूकंप आती है या प्राकृतिक आपदा आती है, हर तरह के लिए मिशन ये है, कार्यरत है और हर जगह इनका सहयोग पूरा होता रहता है बाकायदा। और इसके अलावा भी जहाँ जहाँ भी ज़रूरत होती है वैसे वैसे पहुँचते हैं और सारा कार्य किया जाता है। और ये खाली मतलब गाँव में नहीं है, शहर में, हर जगह में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, देश में, पूरे भारत देश में, चाहिए विदेशों के अंदर भी इसका जो है प्रचार प्रसार है मतलब। और मानव थान सेवा समिति के संस्थापक जो है सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज है, जिनके तत्वावधान में ये सब काम होता है। मिशन एजुकेशन ये भी एक नया हमारा चालू किया है, ये 3 साल से चल रहा है और इसके अंतर्गत जो भी है मतलब ना, जो बड़ी बड़ी जो स्कूलें होती है जहाँ से बच्चे जो अपने उनका जो सरप्लस उनके पास में जो स्टेशनरी वगैरह होता है, तो उसको लेके
और जो एकदम गरीब तबके की जो स्कूल है जहाँ पे बच्चों के पास में अभाव है इन चीज़ों का, मतलब है उनके बीच में ब्रिज का एक कार्य कर रही है, मतलब ये तो जो बड़ी स्कूलों से लेके छोटी स्कूलों को देना एक तरह से मतलब इनसे उनमें देने की भावना पैदा हो और इनमें जो है इनसे कुछ लेके और कुछ मतलब कर गुजरने की मतलब भावना हो, इस तरह से ये कार्य किया जा रहा है। मानव उत्थान सेवा संस्थान द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है बड़ा सराहनीय कार्य है। हमारा देश बहुत विशाल का है, लगभग 125 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, 50% से ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे है। तो आज जो ये संस्थाएं आगे आ रही हैं धीरे धीरे, जो गरीब बच्चे हैं जो नोटबुक वगैरह ड्रेस वगैरह लेने में असमर्थ हैं, इन संस्थाओं के माध्यम से हमारे विद्यालय के गरीब बच्चों को जो मदद मिलती है हम उनका हृदय से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इनका जो ये मिशन है, मिशन एजुकेशन, ये भारत में नहीं पूरे विश्व में एक ऐसा बनियान ट्री की तरह फैले जो हमारे श्रद्धेय गुरुजी ऑनरेबल सतपाल महाराज जी का जो ड्रीम है, विजन है, वो पूरे विश्व में प्रकाश की तरह सबके ऊपर फैलते रहे। और इन्हीं की छत्र छाया में हमारा विद्यालय परिवार, नूतन परिवार और इससे रिलेटेड जो गरीब तबके के बच्चे हैं सहयोग लेते रहेंगे। हम इनसे अनुरोध करते रहेंगे हमारे विद्यालय में आएँ, आपका स्वागत है, हमारे बच्चों का यथाउचित जो भी हो फीस के क्षेत्र में, यूनिफॉर्म के क्षेत्र में, नोटबुक के क्षेत्र में और जो भी हो, हम इनसे रिक्वेस्ट करवत प्रार्थना करते हैं, योगदान देते रहेंगे। और हम एक बार पुनः यहाँ पे आए हुए संतों का हार्दिक स्वागत, वॉलंटियर्स का मैं हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ओके, हेलो एवरीवन। एक्चुअली ये जो एंटायर मिशन एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली यूथ के लिए है। सो हम एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगी कि मिशन एजुकेशन कॉन्सेप्ट व्हाट इज़ इट एग्जैक्टली। सो मिशन एजुकेशन कॉन्सेप्ट इज़ ऑल अबाउट टू हेल्प अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस, वे वी हेल्प अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस फ्रॉम वी टारगेट डोनेट स्कूल एंड दी रेसिपिएंट स्कूल। सो डोनेट स्कूल इज़ वेयर हम ट्रेजर बॉक्स प्लेस करते हैं। सो वंस वी प्लेस अ ड्रॉप बॉक्स एंड देन उसमें जो भी स्टेशनरीज डोनेट करते हैं वो ले जाकर हम रेसिपिएंट स्कूल में भी डोनेटेड। So the concept is all about to hire all stationaries from the students who can afford and from the one who cannot do. So it's all about the, that is what is the concept of mission education, where we don't support any cash or any single penny, but then we just, you know, try helping all over India, across the India, to help each and every underprivileged children. As we ourselves are youth who knows actually what is the importance of education. So we're trying to spread all over India that what education is actually.